दो नृत्य टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और वे कर रहे हैं बी बॉय नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना। अक्टूबर 2023 में होम डे की सड़कों पर आयोजित किया गया दो नृत्य दल कुल मिलाकर 5 आदमी शामिल हैं और वे गतिशील नृत्य दिखा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध BTS समूह बनने का सपना देख रहा हूँ। कोरिया में बहुत से युवा लोग अभ्यास करना कठिन है भविष्य की आशा के साथ। कई कोरियाई लोग संगीत और नृत्य पसंद कर रहे हैं और उनके पास मौलिक प्रेरक शक्ति है, इसलिए वे आज का कोरियाई के पॉप बना रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं बी बॉय नृत्य प्रतियोगिता 2023 में सियोल कोरिया में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप अनोखे वातावरण का अनुभव कर रहे हैं कोरियाई संस्कृति और कला का। कई कोरियाई संगीत और नृत्य की तरह है तो बहुत सारी जगहें हैं जहां वे कोरियाई संस्कृति का आनंद लेते हैं रोमांटिक और इत्मीनान से। मुझे उम्मीद है तुमको मजा आएगा ये कोरियाई संस्कृति एक साथ और आपकी इच्छा होगी गतिशील भविष्य। होम एक यूनिवर्सिटी स्ट्रीट सियोल में स्थित एक बड़ा व्यावसायिक जिला है। होम एक यूनिवर्सिटी स्टेशन और के आसपास सांसू स्टेशन होमडे स्ट्रीट में होमडे होम एक यूनिवर्सिटी का संक्षिप्त रूप है। होम एक यूनिवर्सिटी स्टेशन सेओ ग्योडोंग के खुलने के बाद डोंग ग्योडोंग और सांसू डोंग वाणिज्यिक जिले या घरेलू इंडी दृश्य जो अपने विशिष्ट वाणिज्यिक जिलों को बनाए रखते हैं उन्हें आमतौर पर संदर्भित किया जाता था होम एक यूनिवर्सिटी स्ट्रीट के रूप में, लेकिन होम डे स्ट्रीट नाम स्थापित किया गया था। निसंदेह वास्तव में कोमकुक विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय के नामों के संक्षिप्त रूप और इवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी को अक्सर शहर के क्षेत्रों के नाम के रूप में उपयोग किया जाता है। इस स्थान को अक्सर होमडे कहा जाता है। सियोल के अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिलों में सिंचन स्टेशन के पास स्थित देहा क्रो शामिल है या हाई हवा स्टेशन सुनशिन महिला विश्वविद्यालय वाणिज्यिक जिला सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी स्टेशन चारोसु गिल वाणिज्यिक जिला जो सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी का कॉलेज जिला है और सियोल के पूर्व की ओर कोनकुक यूनिवर्सिटी स्ट्रीट होम डे स्ट्रीट उन सभी को अभिभूत कर देता है और प्रतिनिधि पर्यटकों में से एक बन जाता है। डाउनटाउन विश्वविद्यालय जिले के रूप में सियोल से परे कोरिया में आकर्षण इसके आकार को 2020 के दशक के अनुसार देखें। जब वाणिज्यिक जिले का विस्तार हुआ है आसपास के क्षेत्रों के लिए ये कहना अनुचित नहीं होगा कि यह सबसे बड़ा शहर है सियोल में। अब होंगिक विश्वविद्यालय वाणिज्यिक जिला इतना बढ़ गया है कि कुछ लोग कहते हैं व्यावसायिक जिले के नाम के रूप में विश्वविद्यालय के नाम का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, इसलिए तीन बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं होंगिक यूनिवर्सिटी स्टेशन के आसपास। सियोल में होम डे स्ट्रीट का दौरा करते कोरियाई युवा एक गतिशील दृश्य दिखा रहे हैं और कोरिया के भविष्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ताकि सियोल में होम डे स्ट्रीट पर आने वाले पर्यटक आराम से यात्रा कर सकते हैं। सरकारी कार्यालय ने आगंतुकों को आने की अनुमति दी। सड़क पर कारों के बिना घूमे तो घूमते घूमते आप सहज महसूस कर सकते हैं। हालांकि इताइवान की सड़कों पर भीड़ थी अतीत में कई पर्यटकों के साथ, इन दिनों बहुत से युवा लोग होम डे स्ट्रीट पर आते हैं क्योंकि वे यहां एकत्र हो रहे हैं। वे कोरिया में नए चलन पैदा कर रहे हैं। सियोल में होम डे स्ट्रीट कोरिया की अनूठी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रमुखता से कई विदेशी लोग यहां आते हैं जो कोरियाई संस्कृति के बारे में उत्सुक हैं। सियोल में होम डे स्ट्रीट कोरियाई संस्कृति के इतिहास का प्रतिनिधित्व कर रहा है सबसे सटीक